एडिक्शन से गुजर रहे हैं, ठीक है, आप यू एडिक्टेड टू पॉइंट, इज इट वाइज के किसी के साथ बात की जाए या पूरे मोहल्ले को बताया जाए या क्या किया जाए? सबसे पहले जो आपने कहा ना, इसे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि ये एक मसला है। जब आप एक्नॉलेज करते हैं उसके बाद आपका ब्रेन इस चीज़ पे राजी होगा कि आप अब विलिंग हैं इससे बाहर जाने के लिए। एंड व्हेन यू आर विलिंग टू द लेवल ऑफ डेस्परेशन कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, वो दो केसेस में होता, ईदर यू आर मोटिवेटेड इनफ या यू आर डिस्ट्रॉयड इनफ। ज्यादातर केसेस जो मैंने देखे हैं, जो काउंसलिंग के केसेस भी देखे हैं, पीपल रीच आउट टू अस व्हेन देयर सेल्फ एस्टीम इज दे आर डन विद इट। व्हेन दे आर डन विद इट तब वो किसी के पास जाते हैं। जबकि साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज के 99% ऑफ द टाइम्स इफ यू आर एनकाउंटरिंग दिस एडिक्शन यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट unless you define a person who is your accountability partner for any addiction primarily for this addiction accountability partner hona bahut zaruri hai lekin wo kaun ho ye na ho ki wo accountability partner aapke khud jo hai na wo aage ho aapse aage ho wo aapse aage ho aur wo aapko ki yaar bas ye yaar kuch nahi hota yaar ye aapki society wala point aapki company wala point is very valid lekin usse pehle do cheeze ek acknowledgement aagi अल्लाह से एक तो सच्ची तोबा की और उसके बाद आप जिस वक्त अब विलिंग हो गए हैं तो उसके बाद फाइंड अ पर्सन जो अपेरेंटली आपको लगता है कि ही इज अ पायस पर्सन फर्स्ट और दूसरा ही इज अ बिट वाइज पर्सन ही इज इन द कैपेसिटी टू गाइड यू क्योंकि इफ अ पर्सन हिमसेल्फ नीड्स हेल्प सो मेरे ख्याल में उसके पास जाने अगर आप विलिंग है ना तो फिर आप अपने आप अंदर झांके एक दफा दोबारा के रिमांड में कि आप विलिंग है या नहीं, वरना तो फिर वो है ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसा बंदा ढूंढे जो कि वाकई में वाइज हो और जैसे कि आपने कहा कि वो एक पायस बंदा हो ताकि आपको उससे निकलने में हेल्प कर सके। हाँ जी, अगर किसी बंदे को अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत के अंदर ये चीजें रखी हुई, उसे पता होता है अंदर से कि वो कितने सच में इस वक्त कितनी सच्ची तौबा उसने की है, ये तौबा क्या रमजान के दिनों में रहेगी या उसके बाद भी चलती रहेगी या ये किस तरह की चीज है, इंसान को सब कुछ पता होता है। और मसला ये कि ऐसे लोग जो हैं वो अपने जैसे ही जो दोस्त होते हैं उन्हीं में शेयर कर रहे होते हैं, उन्हीं में शेयर कर रहे और वो फिर उनको इनकरेज करते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा, बल्कि वो आपको सप्लाई भी कर रहे होते हैं, सप्लाई भी कर रहे होते हैं जो आप थोड़ी देर के लिए एहसास आपके अंदर पैदा होता है ना वो उसको मार देते हैं। इसके अंदर वो जो बैटल वाला कॉन्सेप्ट था ना, मैं अगर से मैंने कुछ आप कह सकते हैं कुछ वर्कशॉप्स या कुछ इस तरह के प्राइवेट, क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट इट तो दिस वाज नॉट दिस पब्लिक, तो वो कुछ प्राइवेट जो वर्कशॉप्स टाइप चीजें थी या कुछ सेशंस थे तो उसके अंदर मैं इसको जिस वक्त लेके चलता हूँ ना तो सबसे पहले मैं उन्हें एक एहसास दिलाता हूँ, एक्नॉलेजमेंट होती है, उसके बाद वो इस चीज पे आते हैं कि ओके वी आर विलिंग टू डू दिस। उसके बाद मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई साहब द रिमोट इज इन योर हैंड्स एंड इन योर कंट्रोल, there are two wolves in your mind, one is the one who is right and one is the wrong one, theek hai do which one wins, ye kaun banega crorepati aaj ke session ka sawal hai, the one you feed, very important, if you keep on feeding it besides the fact you are willing to do it this is not going anywhere sir। acha iske baad jab main आगे उन्हें थोड़ा सा लेके चलता हूँ तो उन्हें मैं बताता हूँ कि दिस इज अ बैटल एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। और जब भी आप किसी जंग के लिए जा रहे होते हैं ना तो या तो आप सारी कश्तियां जला के जाते हैं पहली चीज, सो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रिलैप्स तो इंसान के दिल में ना ये कुदरती तौर पर एक गिल्ट इंड्यूस होता, दैट इज द मोमेंट फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस, दैट इज द मोमेंट गो फॉर इट। जो आपका दिमाग इस वक्त कह रहा है ना कि अब मैं तबाह कर दूं, बर्बाद कर दूं, अपने फोन को लॉक कर दूं, फेंक दूं, जो दिल कर रहा डू इट, दिस इज द मोमेंट दैट विल डिफाइन यू फर्स्टली। उसके बाद अब तीन किस्म की चीजें आप करते हैं जब आप जंग में जा रहे हो, सबसे पहले आप फॉर द बैटल प्रिपेयर करते हैं, फिर आप बिफोर द बैटल प्रिपेयर करते हैं, फिर आप फॉर द बैटल प्रिपेयर करते हैं और फिर आप इन द बैटल प्रिपेयर करते हैं। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप बिफोर द बैटल की बात करें ना तो एक इंसान जंग में जाने से पहले कुछ कंसिस्टेंट होगा, अपनी एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग कर रहा होगा और उन चीजों से दूर रहेगा जिनकी वजह से वो कमजोर होता है, या ऐसी चीजें खुराक ऐसी खाएगा या ऐसी वेट लिफ्टिंग करेगा, ये जनरल चीजें हैं जो एक बैटल के लिए आपको बता रहा हूं।
दिस एडिक्शन इज ट्रस्ट मी अ बैटल फॉर यू फॉर एनी पर्सन. और ये आप पहला स्टेप आपका ये है. इसके बाद व्हेन यू आर गोइंग फॉर द बैटल तो मीनवाइल यू हैव टू शार्पन योर वेपन्स एंड यू हैव टू वेयर योर आर्मर. दो चीजें. इन सारी चीजों का प्रैक्टिकली क्या मतलब है ये मैं अभी आपको बताता हूँ. बट वंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर आउट देयर एंड इफ दे आर नोटिंग दिस डाउन दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम क्योंकि समझना बहुत जरूरी है. और समझ इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि आपका ये ब्रेन काम ही नहीं कर रहा जिसने डिसीजन लेना है. और जिस वक्त आप उस गिल्ट से निकल आएंगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट बैक. और उसके बाद वो वादे वो कस्में जो खाई थी सब झूठी थी. ये सबसे बड़ा इसका अलमी है. अच्छा जो तीसरी चीज है इन द बैटल आप क्या करते हैं यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू स्टे ऑन द पाथ यू हैव डिफाइंड व्हेन यू वर इन सेंसेस. क्योंकि जब आप इसमें आगे जब बैटल में हैं तो आप सेंसेस में नहीं है. खौफ के आलम में आपकी सारी सेंसेस बहुत प्रोएक्टिव होती है. खौफ के आलम में अगर आपको कोई प्यार से आके दोस्त मिसाल के तौर पे एक बंदा जंग लड़ रहा है और पीछे से आके कोई उसे टैप ऑन द शोल्डर भी करेगा ना तो उसकी तरफ तलवार से ही मूव करेगा. तो द पॉइंट इज ये सारी चीजें. अब इनका प्रैक्टिकली क्या मतलब है कि जिस वक्त आप बिफोर द बैटल होते हैं ना तो आपको कंसिस्टेंटली इस चीज को रियलाइज करना होता कि आपका मसला डोपामिन है. आपके दिमाग को एक डोपामिन रश चाहिए होता है. आपके दिमाग में वो केमिकल्स यू नीड दैट केमिकल्स. और जब वो केमिकल्स आपको मिलते रहेंगे इधर फूड इधर एंटरटेनमेंट इधर एनीथिंग एल्स हर बंदे के दिस इज अ कैरेक्टर जिसका मुंह कोई नहीं है लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई किरदार लाजमी होता है हर एक के लिए. किसी के लिए वो गाने हो सकते हैं ये बेसिकली ट्रिगर्स होते हैं आपके. किसी के लिए कुछ सेंट्स हो सकती है. किसी के लिए कोई जगह हो सकती है. इस वजह से जिस वक्त भी व्हेन आई स्टार्ट काउंसलिंग अ पर्सन आई टेल हिम ओके टेल मी योर रूटीन टेल मी योर कंजम्पशन हैबिट्स एंड टेल मी वेयर डू यू स्टे मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर हाउस. और उसकी वो पूरी पोजीशनिंग को आप चेंज करते हैं ताकि उसके दिमाग की वायरिंग रीवायरिंग हो. न्यूरोप्लास्टिसिटी काम है जो काम वो पहले कर रहा था व्हेन ही वाज फॉलिंग इनटू द ट्रैप फॉलिंग इनटू द सांच वही काम करना है लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और इसके बाद होता क्या है कि जब वो चीजें उसके सामने चेंज होती हैं उसके पैटर्न्स डिसरप्ट करते हैं आप. मिसाल के तौर पे अगर उसका अच्छा सोने से एक अच्छी रूटीन आई हैव सीन एज पर माई ऑब्जर्वेशन फॉर द केसेज आई हैव काउंसल्ड टिल नाउ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यू मैटर नन ऑफ द पर्सन हु वॉज एक्सपीरियंसिंग पॉर्न एडिक्शन वॉज ऑन द राइट रूटीन. ही वॉज नॉट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. He was not having proper 3 meals or 2 meals a day. He was not having any physical sports. He was not having a proper entertainment. He was not having a proper time. But he was bored for sure. This was a common trait. So boredom leads you to this. So इसे identify करना बहुत जरूरी है. Being alone and boredom. दो चीज़. मैं जरा summarize अगर कर दूँ वो ये कि एक चीज़ हमने देखा है कि जो अली भाई भी कह रहे थे कि आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप. सो अपने आप को इसका हल ये होगा कि कीप योरसेल्फ बिजी विद एक्टिविटीज विच आर प्रोडक्टिव. कोई भी हेल्दी स्पोर्ट आप खेलें कोई भी पास टाइम रखें. गो आउट ठीक है. आप नेचर में जाएं विल्डनेस में जाएं यू नो मोटरसाइकिल चलाएं ठीक है हमारी तरह. सो यू नो कम अप विद सम गुड. अब आप वो कहते हैं ना हाइकिंग एंड क्या बाइकिंग उसकी हिकमत समझे खुद ही आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया.